हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे डेज 360 फार्मूले को पढ़ाएंगे। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेज 360 फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शन कैसे काम करेगा, आइए इसको कंटेन करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी जूमिंग को यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो पाए। देखो तो यहाँ पर लिखा गया ऊपर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंट डेट, यहाँ पर लिखा गया है डेज, यहाँ पर है मंथ और यहाँ पर है ईयर्स। सपोज दैट किसी भी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2 और इसके बाद मैंने यहाँ पे 5 राइट किया और यहाँ पे मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ 2000 का है। ठीक है, देख लो यहाँ पे 2 5 यहाँ पे 2000, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मंथ आता है, तो मंथ क्या है आपका फरवरी 5 तारीख। ठीक है, और कितना है यहाँ पे 2000। ठीक है, तो कैसे इसे करना है थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे अभी तो पूरा हो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद प्रेजेंट डेट अगर चाहिए आपको तो आपके पास फार्मूला भी है, या तो प्रेजेंट डेट राइट भी कर सकते हो। तो आज की डेट अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आज की डेट 7 तारीख है, 7 तारीख है, लेकिन हमें सबसे पहले मंथली करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 11/07 यानी कि 7वां महीना, और मैंने कर दिया 2000 यहाँ पर 21। ठीक है, देख लो अभी यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे ये 2000 है और ये 2021 है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में अब तक कितने, मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ और आज के डेट में टोटल कितने डेज हुए हैं वो जानना है। तो मैं यहाँ पे डेज वाले में क्या करूँगा, फार्मूला को राइट करूँगा, कौन सा डेज 360। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर का साइन राइट करना है सबसे पहले, और इसके बाद लिखना है DAYS, और इसके बाद 360 आपको राइट करना है, ऐसे ब्रैकेट को कर लेना है स्टार्ट। इसके बाद आपको पहले डेट वाले पे क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करो, इसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा देने के बाद आपको प्रेजेंट डेट यानी आज की डेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट को बंद करना है और जस्ट इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे इंटर बटन को प्रेस करोगे आपको टोटल डेज मिल जाएंगे। मैंने इंटर मारा तो इसने बताया कि आज टोटल आपको 7832 दिन हो चुके हैं। ये तो निकल गया डे। अगर आप सपोज दैट इसका मंथ निकालना चाहते हो कि ये सारे दिनों में कितने मंथ बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, इक्वल साइन लगाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे 7832 में कितने से भाग दे दोगे आप, यहाँ पे 30 से यानी 30 से, और जैसे एंटर मारोगे तो आपको निकल जाएंगे यहाँ पर क्या मंथ आ गए, 261 मंथ। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे ईयर निकालना है तो आप ईयर वाले में जाओ, बराबर का चिन्ह लगाओ यहाँ पे, और इसके बाद मंथ बटा के यहाँ पे कितने से भाग दोगे आप, 12 से, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। सो मैंने जस्ट सेंटर लगाया तो आपको बताया कि आपकी एज कितना है, 21 ईयर और कुछ दिन भी हैं इसमें। ठीक है, जिसमें पॉइंट के बाद जो दिया गया है, क्योंकि प्रॉपरली आपको डेज 360 जो फंक्शन है वो केवल आपको डेज बताता है, लेकिन मैंने आपको एक तरीके से मंथ को और ईयर को दोनों को निकालना आपको बताया। सो आज की वीडियो में बस मुझे डेज 360 फार्मूले के बारे में आपको पढ़ाना था, सो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। अगर किसी बच्चे का और निकालना है तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्रेजेंट डेट, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, इस तरह का प्लस मिलेगा, खींच देना, ऑटोमेटिकली आपको डेज मिल जाएंगे। यहाँ से मंथ यूज कर सकते हो और यहाँ से ईयर निकाल सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।